हुण ध्यान दो, छे पोह दी रात नंदा दी पुरी छड़ी, सत पोह दी सवेर सरसा लंघी है। सत पोह दियां शामा पै गई, माता जी बिखड़ा पैड़ा लंघते हुए ना सतलुज ते सरसा नदी दे सांझे किनारे ते एक पिंड है चक ढेरा, उत्थे पत्तन पैंदा है सतलुज नूं लंघण दे लई। मां जी उत्थे पहुंचे ने, हनेरा पसर गया, थकावट भी बड़ी है। उत्थे पत्तन दे कंडे एक झोंपड़ी वेखी है, वो झोंपड़ी है करीम बख्श माछी दी। माछी कहिंदे ने मलाह नूं बेड़ी चलाउण वाले नूं। हुणे पत्तन ते बेड़ी चलाउंदा सी, राइयां नूं पार लंघाउंदा हुंदा सी, कुम्मा माशकी, इहनूं लोक कुम्मा माशकी कहिंदे ने। है दा नाम करमू सी, ते मुगलां ने धक्को जोरी इहदा दीन सनातन मत खोह के इस कोलों इहनूं इस्लाम विच लिआंदा सी, ते करीम बख्श बना लिया सी करमू तों, ते ज़्यादातर इहदा नाम कुम्मा माशकी ही प्रचलित है। जदों गुरु किया साखियां पढ़दे हो ना, उत्थे इहदा नाम कुम्मा माशकी आवेगा। उत्थे जिक्र है एक सक्का, हिंदू तह आही तुरक जोर तह जन्म वटाही, धक्के नाल तुरकां ने उहदा धर्म बदल दिता सी। कुम्मा ते कीमा तह कीना, कुम्मा ते कीमा तह कीना तिस ही कै ग्रह वासा लीना, उहदी कुली विच ही माता गुजरी ने बच्चियां समेत वासा कीता है। कृत भाई दुन्ना सिंह जी वह भी यही जिक्र करते ने, वो सतपुरश यही जिक्र करते ने। भाई दुन्ना सिंह हंडूरिया जड़े हुए ने ना, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे कवि सन, कवि 52 कवियां चो एक कवि, वह भी हामी भरते ने भी सतलुज के कंडे दी। और कवि संतोख सिंह जी महाराज सिख जगत दे दुनिया के सब तो महान इतिहासकार, वह भी हामी भरते ने भी सतलुज के कंडे सन। माता जी श्री गुजरी विच स्यंदन के जुग नंदन के नंद संग चढ़ाई, जुग नंदन दो बच्चे, जुग नंदन के नंद संग चढ़ाई, ताहे सुभाख करी समझावन, ताहे सुभाख करी समझावन, ले अगवावन चले सहाई। कहिंदे एक दूरा तो कहूं बस कै, तट सौ द्रव के गमने पिखथाई। सौ द्रव सतलुज का पुराना नाम है, सतलुज के कंडे कहिंदे एक दो रातां माता रुके ने। खैर सत पोह दी रात इत्थे रहे ने। माता जी ने कुम्मे माशकी नूं मलाह नूं सारा हाल सुना दिता है। जल पाणी माता जी नूं छकाया गया, उत्थे किसे माई लक्ष्मी दे नाम दा जिक्र आउंदा है। वह ब्राह्मणी सी, कहिंदे वह गुरु क्या लई भोजन लियाई सी पिंडों, भोजन छकाया गया। कुम्मा माशकी आप कुली तों बाहर लेट गया, माता ते दोवें साहिबजादे, बुढ़ी दादी ते दोवें साहिबजादे कुली विच आसन ला लिया, ते बाहरों गल्लां करदा है, मां गुरु गोबिंद सिंह ने साडे घर वसाउण दे लई, साडे घरां दे चिराग बलदे रखण दे लई, सानू खुशियां खेड़े बख्शण दे लई, दीनां लई गरीबां दे लई अपना परिवार उजाड़ लिया, आनंदां दी पूरी उजाड़ लई, अपना सब कुछ इस दुख दी भट्ठी विच झोंक दिता है, साडे घर वसाउण लई आप बेघर होया फिरदा है। गुरु वैराग विच यह सारी रात लंघी है, सवेर होई सरदा बनदा भोजन फिर माई लक्ष्मी लैके आई है। माता जी ने बच्चियां नूं छकाया है, खुश होके माँ ने कुम्मे माशकी ते माई लक्ष्मी नूं बख्शिश भी दित्ती है। इत्थे कहिंदे जिहड़ा गंगू है ना जो लैके अगे जावेगा, जदों माता जी ने बख्शिश कीती है ना कुम्मे माशकी नूं माई लक्ष्मी नूं, इहदा मन उदों ही डोलन लग पिया सी मोहरां देख के,
कुछ मोहरां दित्तियां सन माँ ने खुश होके, मंग लैंदा ते माँ सब कुछ वार दिंदी। जिस माई ने आप विधवा होके भारत वर्ष दियां लखां इस्त्रियां नूं रंडियां होणों बचाया है, वह चंद मोहरां नहीं सी दे सकदी। शायद इस रूहे जमीन ते भारत वर्ष अंदर किसे दे घर दा साई ना हुंदा ते ना किसे दे घर कोई चिराग जलदा बच्चा ही हुंदा, जे मां गुजरी अपना साई ना वार दिंदी ते। ए उस मां दी बरकत है, ए उस मां दा हिरदा है। जे गुरु तेग बहादुर साहब गुर परमेसर एको जन खुद खुदा ने, ते खुदा दे नाल जिहदा रिश्ता है वह भी कोई घट ते नहीं ना होवेगी। जन्मां जन्मंतरां दी इबादत होवेगी जिसनूं रब खसम मिलिया है गुरु तेग बहादुर साहब दे रूप विच।